दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं आईपीसी की धारा 34 क्या करती है, इससे आपको बच के रहना पड़ेगा अन्यथा आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, आपको इससे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि आईपीसी की धारा 34 में स्पष्ट कहा गया है अगर कोई व्यक्ति किसी भी क्राइम में शामिल होता है। पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि आईपीसी की धारा 34 लगती कब है। आप देखते हो, आप बहुत सारे अखबारों के माध्यम से टीवी के माध्यम से देखते हो कि किसी व्यक्ति द्वारा क्राइम करके जाने के बाद पुलिस ये तफ्तीश करती कि वहां पर कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल था। इसलिए दोस्तों ये आईपीसी की धारा 34 वहीं लगती है जहां कोई व्यक्ति क्राइम करता है, आप वहां मौजूद हो, उस क्राइम में आप शामिल हो लेकिन आपने वो क्राइम नहीं किया तो उस व्यक्ति के वो आईपीसी की धारा 34 लग जाती है। क्योंकि एक से ज्यादा व्यक्ति किसी भी क्राइम में शामिल होना, किसी भी के साथ एक साथ रहना, आईपीसी 34 में मुकदमा दर्ज हो सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है, मान लो कोई करता कौन है, बरता कौन है, आपने अपने दोस्त के साथ कहीं जाने को ले करता है दोस्त, तो आप उनके साथ चले जाता है लेकिन आपको ये पता नहीं रहता कि दोस्त करेगा क्या। अगर वो दोस्त किसी के साथ मारपीट करता है, किसी के हाथ तोड़ देता है या किसी का मर्डर कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो उसमें जितना दोष उसका है उतना ही दोष आपका होगा। लेकिन आप कुछ मत करो, आप शामिल हो तो आईपीसी 34 आईपीसी लग जाती है। मतलब कहने का मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति किसी क्राइम को करने में या प्लानिंग बनाने में शामिल होता है उस व्यक्ति के लगती है धारा 34। इसलिए दोस्तों अगर आपको बचना है, अपना करियर बर्बाद होने से बचाना है, किसी भी दोस्त को बचाना है, आपको बचना है, तो दोस्तों ये सलाह लें, इस वीडियो को देखें, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे समझे, अपने दिमाग में उतारे। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ, मान लो ए और बी सी तीन व्यक्ति हैं, किसी व्यक्ति से मारपीट करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं लेकिन बी और सी ए के साथ है, ए ने किसी व्यक्ति के मार थप्पड़ मारा या मारपीट किया, उसका मर्डर कर दिया, लेकिन सजा तीनों को मिलेगी क्योंकि आप भी उस प्लानिंग में शामिल हो, आप भी जिस टाइम वो करते हुए आप भी वहां मौजूद थे, तो आपको जितनी सजा ए को मिलेगी उतनी सजा बी और सी को भी मिलेगी। इसलिए दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है, समझाने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति क्राइम करे, एक से ज्यादा व्यक्ति किसी चीज का क्राइम करता है, किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करने की सोचता है या मारपीट करता है, या कोई भी व्यक्ति चार पांच व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति मारपीट करे तो चारों का नाम आएगा और चारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा क्योंकि आप भी वहां सहयोगी थे, आप भी उस प्लानिंग में या आप भी उस मारपीट में शामिल हो सकते हैं या आप उस मारपीट में थे, आपने बोला क्राइम किया ही नहीं किया। इसलिए दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप कभी भी अपने कैरियर से सजग रहें, अगर किसी आपके दोस्त द्वारा ऐसा क्राइम करते हैं तो आप वहां मौजूद ना रहें, अगर आप मौजूद हैं तो आप भी उस मुकदमे में फंस सकते हो, आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। इसे कहते हैं आईपीसी सेक्शन 24 का आईपीसी जो धारा है 34, उसमें स्पष्ट कहा गया एक से ज्यादा व्यक्ति अगर किसी क्राइम में शामिल है तो उसमें आईपीसी 34 जोड़ी जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की, मारपीट में 323 341 के साथ साथ 34 आईपीसी भी जोड़ दी जाती है क्योंकि एक से ज्यादा व्यक्ति उस व्यक्ति को मारपीट करने में थे। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।